गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मटेरियल टेस्टिंग एंड एवेल्युएशन का यूनिट फर्स्ट का पढ़ेंगे आज हम पार्ट सेकंड। तो आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल। तो कल हमने टू टाइप्स की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, मेटल्स एंड प्लास्टिक्स, और इसके सब टाइप भी हमने पढ़ लिए थे। तो आज हम पढ़ेंगे सेरमिक्स और कंपोजिट्स के बारे में। तो सेरमिक्स को चार पार्ट्स में डिवाइड किया है। कुछ सेरेमिक्स की डेफिनेशन, एब्रेसिव सेरेमिक्स, एडवांस्ड सेरेमिक्स एंड रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स। तो सेरेमिक्स में आता है हमारा जिरकोनिया। जिरकोनिया क्या होता है? जिरकोनिया को समटाइम नोन एज जिरकोनियम डाइऑक्साइड। तो जिरकोनिया को हम जिरकोनियम डाइऑक्साइड भी कहते हैं। मोनोक्लिनिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इसका जो मोनोक्लिनिकल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, तो मोनोक्लिनिकल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का मतलब होता है रेफर टू थ्री एक्सिस ऑफ अनयूकल लेंथ। इसकी तीन एक्सिस में रेफर किया जाता है, और जो तीनों एक्सिस की लेंथ क्या होती है? अनयूकल होती है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास तीन एक्सिस है ए बी एंड सी, ऑफ विच ए इज परपेंडिकुलर टू बी एंड सी। ए किसके परपेंडिकुलर है? बी और सी के। बट बी एंड सी आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो हमारा चिरकोनी है, इसका इस्तेमाल एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर में भी किया जाता है, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर में अपने आप को विस्टैंड करता है। सेकंड आता है एस आई सी एंड कार्बन। तो जहाँ पे एस आई सी का मतलब होता है सिलिकन कार्बाइड एंड कार्बन, आल्सो यूज इन सम वेरी सर्वर टेम्परेचर कंडीशंस। जो हमारा सिलिकॉन कार्बन है, कार्बाइड या कार्बन है, इसका इस्तेमाल हम हाई टेम्परेचर में करते हैं, बट कैन नॉट बी यूज इन ऑक्सीजन इन्वायरमेंट। बट इसका इस्तेमाल ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में नहीं कर सकते, क्योंकि ऑक्सीजन से ये क्या होता है? ऑक्सीडाइज या बर्न हो जाते हैं ऑक्सीजन विद द कॉन्टैक्ट ऑफ ऑक्सीजन। कहता है एब्रेसिव सेरेमिक्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एब्रेसिव सेरेमिक्स के बारे में। पहले हम देखेंगे एब्रेसिव्स होता क्या है, एब्रेसिव्स का मतलब क्या है। ए सब्सटेंस यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग और क्लीनिंग ए हार्ड सरफेस। एब्रेसिव का मतलब होता है एक ऐसा सब्सटेंस जिससे हम ग्राइंडिंग करते हैं, जहाँ पॉलिश करते हैं, जहाँ किसी हार्ड सरफेस को क्लीन करते हैं। एब्रेसिव्स आर यूज इन कटिंग एंड ग्राइंडिंग टूल्स। एब्रेसिव का इस्तेमाल कटिंग या ग्राइंडिंग टूल में किया जाता है। डायमंड्स इज काइंड ऑफ एब्रेसिव। नेचुरल एंड सिंथेटिक्स, जो नेचुरल या सिंथेटिक डायमंड्स आर यूज एज एब्रेसिव थ्रू रिलेटिव एक्सपेंसिव। जो हमारे नेचुरल या सिंथेटिक डायमंड्स हैं, इनका हम एब्रेसिव के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इनकी कॉस्टली काफ़ी ज़्यादा होती है। इंडस्ट्रियल डायमंड्स आर हार्ड एंड थर्मल कंडक्टिविटी। जो इंडस्ट्रियल डायमंड्स होते हैं वो काफ़ी हार्ड होते हैं, उनमें क्या होती है? थर्मल कंडक्टिविटी पाई जाती है। डायमंड्स अनसूटेबल एज जेम स्टोन आर यूज एज इंडस्ट्रियल डायमंड्स। जो डायमंड्स अनसूटेबल है, जैसे कि हमारे जेम स्टोन्स हैं, तो वो इंडस्ट्रियल डायमंड के लिए अनसूटेबल है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एडवांस्ड सेरेमिक्स। एडवांस्ड सेरेमिक्स का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? ऑटो इंजन पार्ट्स एडवांटेजेस। अब एडवांस सेरेमिक्स के ऑटोमोबाइल्स के पार्ट बनाने में क्या क्या फ़ायदे हैं? ऑपरेट एट हाई टेम्परेचर। जो हमारा एडवांस सेरेमिक्स होते हैं, उसके हेल्प से हम क्या करते हैं, एडवांस सेरेमिक्स के जो प्रोडक्ट बनते हैं, उसको हम हाई टेम्परेचर में भी ऑपरेट कर सकते हैं। हाई एफिशिएंसी, उसकी एफिशिएंसी अच्छी आएगी। लो फ्रिक्शनल लॉस, फ्रिक्शनल लॉसेस भी कम होगा। ऑपरेट विदाउट कूलिंग सिस्टम, विदाउट कूलिंग सिस्टम में हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। लोअर वेट देन करंट इंजन, उसका वेट भी कम होगा जो हमारे करंट इंजन अभी यूज़ कर रहे हैं। डिसएडवांटेजेस में सेरेमिक मटेरियल आर ब्रिटल, डिफिकल्ट टू रिमूवल इंटरनल वॉइड्स। और डिसएडवांटेज क्या है इसकी, कि सेरेमिक मटेरियल है काफ़ी ब्रिटल होते हैं और टूटने के चांस काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं, और इसमें जो वाइट्स पाए जाते हैं उसको रिमूव करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, जिससे इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वीक हो जाता है। सेरेमिक पार्ट्स आर डिफिकल्ट टू फॉर्म एंड मशीन पोटेंशियल मटेरियल। सेरेमिक पार्ट्स आर डिफिकल्ट टू फॉर्म, सेरेमिक्स पार्ट बनाना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, एंड मशीन पोटेंशियल मटेरियल। और जो मशीन पोटेंशियल मटीरियल्स के लिए, जहाँ पर वो मशीन पोटेंशियल मटीरियल का मतलब है फॉर एनर्जी स्टोरेज, मतलब एडवांस सेरेमिक्स का सेरेमिक्स जो पार्ट बनाए जाते हैं, वो पार्ट बनाना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, जिनमें एनर्जी स्टोर हो सके, जैसे कि इंजन वाल्वे, बाल बेयरिंग जो आयरन की होती है गोल गोल, पॉसिबल इंजन पार्ट्स, इंजन ब्लॉक एंड इंजन पिस्टन कोटिंग। आगे आता है रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स। तो रिफ्रैक्टरी में आता है रिटेन इट्स स्ट्रेंथ एट हाई टेम्परेचर। जो हमारे रिफ्रैक्टरी मटेरियल होते हैं, वो अपनी स्ट्रेंथ
हाई टेम्परेचर पे भी मेंटेन करके रखते हैं अप टू 500 डिग्री सेल्सियस। मस्ट बी केमिकल एंड फिजिकल स्टेबल एट हाई टेम्परेचर। जो हमारे रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे भी केमिकल और फिजिकली स्टेबल रहते हैं। नीड टू बी रेसिस्टेंट टू थर्मल शॉक। इन पे थर्मल शॉक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। शुड बी केमिकली इनर्ट एंड हैवी स्पेसिफिक रेंज ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी एंड थर्मल एक्सपेंशन। तो इसकी एक स्पेसिफिक रेंज पाई हुई है कि थर्मल में हीट की वजह से जो हमारा जो रिफ्रैक्टरी मटीरियल्स है उसमें कंडक्टिविटी भी कम होती है, मतलब वो कट कंडक्टिविटी करता है, थर्मल एक्सपेंशन भी कम आती है, मतलब थर्मल हीट की वजह से वो एक्सपेंड भी कम होता है। आर यूज इन लाइनिंग फॉर फर्नेस किलन्स इनक्रेटर्स एंड रिफैक्ट्रीज। जो हमारे रिफैक्ट्री मटेरियल्स होते हैं इनका फर्नेस में इस्तेमाल किया जाता है। फर्नेस मतलब ईंट का भट्ठा या फिर स्टील फर्नेस, उसकी जो उसमें लाइनिंग, जहाँ पर लाइनिंग का मतलब होता है कि उसका जो शहर में जो हमारे रिफैक्ट्री मटीरियल उसके वहाँ से उसका इस्तेमाल करके वहाँ पर क्या फ्लोरिंग की जाती है। किलन्स में भी उसका इस्तेमाल कर सकते हो, नीचे बेस में डाल सकते हैं, इनक्रेटर्स में भी कर सकते हो, रिएक्टर्स में भी कर सकते हो। जहाँ पे इनक्रेटर्स का मतलब होता है कंबशन ऑफ वेस्ट मटेरियल एट हाई टेम्परेचर। जो हमारे इनक्रेटर्स होते हैं इसका वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है, और वेस्ट मटीरियल में इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ पे वेस्ट मटीरियल को बर्न किया जाता है वहाँ पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड्स एल्युमिनिया, सिलिकॉन ऑक्साइड सिलिका, कैल्शियम ऑक्साइड लाइम, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड फायर क्ले आर यूज्ड टू मैन्युफैक्चर रिफैक्ट्री मटेरियल्स। अगर हमने रिफैक्ट्री मटेरियल्स बनाने हैं तो वहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड सिलिका लाइम मैग्नीशियम और फायर क्ले का भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसा तक कंपोजिट्स, तो कंपोजिट्स का मतलब टू आर मोर। ए मटेरियल सिस्टम कंपोज टू आर मोर फिजिकल डिस्टेंट फेसिस whose combination produce aggregate properties that are different from those of its constituents. ऐसा material system जो दो या दो से ज़्यादा physical distance, मतलब दो या दो से ज़्यादा कोई दो से ज़्यादा material को आपस में combine करके बनाया जाता है जिनकी physical properties different होती है, ठीक है। Example, cemented carbides. तो सीमेंटेड कार्बाइड्स क्या होता है? सीमेंट इज ए हार्ड मटेरियल यूज्ड एक्सटेंसिवली एज कटिंग टूल। ये काफ़ी हार्ड मटेरियल होता है जिसका इस्तेमाल हम कटिंग टूल में करते हैं। प्लास्टिक मोल्डिंग कंपाउंड्स कंटेनिंग फिलर्स, जैसे प्लास्टिक मोल्डिंग होते हैं तो उसमें फिलर्स पाया जाता है। रबर मिक्स विद कार्बन ब्लैक वुड ए नेचुरल कंपोजिट डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ए सिंथेसिस कंपोजिट। व्हाई कंपोजिट्स आर इंपॉर्टेंट। कंपोजिट्स कैन बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्टिफ। कंपोजिट काफ़ी स्ट्रॉन्ग और स्टिफ होते हैं एट वेरी लाइट एंड वेट, और उनका लाइट काफ़ी हल्के होते हैं। सो रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ टू इट्स वेट, इसका वेट कम होता है लेकिन स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। एंड स्टिफनेस टू वेट इसका कम होता है, स्टिफ काफ़ी ज़्यादा होते हैं। आर सेवरल टाइम ग्रेटर दैन स्टील एंड एलुमिनियम। और कई बार क्या होता है ये काफ़ी ज़्यादा ग्रेटर होते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं एज कम्पेयर टू स्टील और एलुमिनियम। फटीक प्रॉपर्टी आर जनरली बेटर दैन कॉमन इंजीनियरिंग मटीरियल। फटीक प्रॉपर्टीज, फटीक का मतलब यहाँ पे होता है कि अगर कोई मटेरियल हम उसको बार बार बेंड कर रहे हैं, बेंड करने के बाद बार बार मोड़ रहे हैं, बार बार बेंड कर रहे हैं, बेंड करने के बाद में उसमें क्रैक डेवलप नहीं हो रहा और काफ़ी समय तक अपने आप को रिटेन करके रख रहा है, तो वहाँ पे भी इसकी जो फटीक प्रॉपर्टीज़ है काफ़ी अच्छा हद तक बेटर है एज़ कम्पेयर टू कॉमन इंजीनियरिंग मटीरियल। टफनेस इज ऑफ्टन ग्रेटर टू, टफनेस भी इसमें काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। कंपोजिट्स कैन बी डिज़ाइंड दैट नॉट कोरोडेड लाइक स्टील। कंपोजिट का ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि जैसे उसमें कोई भी क्रोजन ना लगे, जैसे कि स्टील को लगती है। डिसएडवांटेज एंड लेमिनेशन ऑफ कंपोजिट्स मटीरियल। प्रॉपर्टीज ऑफ मैनी इंपॉर्टेंट कंपोजिट्स आर एनोस्ट्रोपिक्स। जो प्रॉपर्टीज है बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपोजिट्स की बहुत ही एनोस्ट्रोपिक होती है। तो एनिस्ट्रोपिक मतलब होता है हैविंग ए फिजिकल प्रॉपर्टी विच हैज़ ए डिफर वैल्यू व्हेन मेजर इन डिफरेंट डायरेक्शन। एनिस्ट्रोपिक मतलब होता है कि फिजिकल किसी प्रोडक्ट की फिजिकल प्रॉपर्टी अपने तीनों डायरेक्शन में डिफरेंट पाई जाती है। द प्रॉपर्टी डिफर डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन इन विच दे आर मेजर्ड। दिस मे बी एन एडवांटेज आर डिसएडवांटेजेस। मैनी ऑफ द पॉलीमर बेस्ड कंपोजिट्स आर सब्जेक्ट टू अटैक बाई केमिकल्स और सॉल्वेंट्स। जो बहुत सारे पॉलीमर प्रोडक्ट हैं वो
बेस कंपोजिशन, उसके बेस्ट कंपोजिशन पे अटैक बाई केमिकल, केमिकल अटैक हो सकता है जो सॉल्वेंट्स का, जस्ट एज द पॉलीमर थेमसेल्फ आर सस्पेक्टेबल टू, जैसे कि पॉलीमर पे खुद अटैक दम उस सस्पेक्टेबल टू अटैक। कंपोजिट मटेरियल आर जनरली एक्सपेंसिव, जो हमारे कंपोजिट मटेरियल्स तो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। मैनुफैक्चरिंग मैथड ऑफ शेपिंग कंपोजिट्स मटेरियल आफ्टर सोलवेंट कॉस्ट, जो मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस है कंपोजिट्स का, उसको शेप देना, ठीक है, वो काफ़ी स्लो प्रोसेस और काफ़ी कॉस्टली है। थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।